हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये जो वीडियो होने जा रही है ये टोटली न्यू वीडियो है मेरी। इसमें एक्चुअली हमने वंश के लिए कुछ नया किया है। मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट देखी थी लाइक FB पर और इंस्टा पर। सो आते हैं ना ब्रांड शूट के लिए, सो वैसे ही थी एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने उस पर वंश के लिए कॉल किया या मैसेज जब भी उसमें आता है सबमिट करने के लिए, मैंने प्रोसेस जो था मैंने वो किया। सो वहाँ से मेरे पास कॉल आया मिस्टर साहिब का। ये जो कंपनी है ये है HK प्रोडक्शन, नोएडा में है। तो वहीं से मेरे पास कॉल आया कि आप वंश की थोड़ी पिक्स जो है विदाउट एडिटिंग वो आप मुझे सेंड करो और फिर हम आपको बताते हैं। क्योंकि वहाँ पे कुछ था मींस अमेज़न ब्रांड के लिए बच्चों के शूट के लिए बोला था। तो मैंने वंश की पिक्स सेंड करी हैं और वहाँ से हमें बताया कि वंश जो है सिलेक्ट हुआ है अमेज़न ब्रांड के लिए। लेकिन मुझे उसमें विश्वास नहीं था, मुझे कहीं ना कहीं एक पॉइंट था मेरा कि ये फेक हो सकता है। बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो पता तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो हमने जस्ट एक रिस्क लिया कि हम गए वहाँ पर वंश को लेकर। पिक भी हमने जैसे सेंड की थी तो हम वंश को लेकर वहाँ पे गए और देखा, बहुत अच्छा सेटअप था, स्टाफ बहुत अच्छा था और बहुत पोलाइट था। जैसे मेरी साहिब से बात हुई है, उनके जो सीनियर है उनसे बात हुई, वहाँ पे जो मैम है हिना मैम उनसे बात की हुई है, बहुत पोलाइट थे और बहुत अच्छा स्टाफ है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जैसे आजकल काफ़ी सारी ऐसे मतलब मैंने देखा है आता रहता है कि 25,000 जमा करवाने तुम्हें या 30,000 जमा करवाने, बट हमसे ऐसा कुछ भी अमाउंट नहीं मांगा गया। जो अमाउंट था वो बहुत छोटा अमाउंट था, मीन्स मुझे लगा भी नहीं था कि उतने अमाउंट में हो जाएगा। तो उसमें ही मेरे वंश का हुआ है ये फ़ोटोशूट। सो अभी ये वंश हो रहा है रेडी फ़ोटोशूट के लिए, फॉर द ब्रांड शूट फॉर अमेज़ॉन। सो वंश तैयार हो रहा है और वंश भी काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी खुश था। इसमें क्या होता है, जैसे कि शूट हो जाता है तो विद इन अ 1 वीक का ये लोग टाइम देते हैं, जो कि अमेज़ॉन पे जो बच्चों की पिक होती है वो शो करे। तो हमें भी वही टाइम दिया था 1 वीक का। सो 1 वीक के अंदर इन्होंने हमें वो लिंक सेंड कर दिया था। उससे पहले जो है जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो हमें यहाँ से सेंड कर दी गई थी, वो तो हमें मिल गई थी। लेकिन जो अमेज़ॉन पे जो लिंक आया है वो विद इन 1 वीक के अंदर आया है। अभी टंग पे आ रहा है ना। सो ऐसा मेरा कुछ नहीं है कि मुझे वंश को इसी लाइन में डालना है, बट हाँ कुछ नया हो जाता है बच्चों के लिए तो इसीलिए मैंने जस्ट ये ट्राई किया है। और अगर अच्छा लगा तो मैं आगे भी मतलब ट्राई करूँगी, कुछ गलत तो है नहीं, अच्छा ही है। सो आप देखो वंश कैसे तैयार हो रहा है, कैसे शूट के लिए वो पोजेस दे रहा है, काफ़ी एक्साइटेड था वो। और सबसे अच्छी बात थी जैसे कि वंश से बोला जा रहा था स्माइल, सो वंश स्माइल नहीं कर रहा था, वंश भी बोल रहा था स्माइल। जैसे उन्होंने बोला स्माइल सो वंश भी बोले स्माइल, तो वही चीज़ें चल रही थी। थोड़ा सा यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो रहा था हमारा वंश के साथ, सो पर मेरे बच्चे ने कर लिया और बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे ने। अभी तो वो 3 इयर्स का है बस, पर फिर भी मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया। सो ठीक है, कनेक्ट रहिए वीडियो के साथ और भी मैं काफ़ी चीज़ें इसमें शेयर करती हूँ। जब तक आप शूट देखिए। Thank you.
देख पा रहे हो मेरा वंश कैसे शूट करवा रहा है। थोड़ा सा नर्वस भी है और थोड़ा सा मन में उसके मस्ती भी चल रही है, वो पता चल रहा है। थोड़ा सा खुश भी है, तो बस ऐसे ही इसका शूट अभी चल रहा है। और घर से तो बहुत एक्साइटेड होकर आया था, लेकिन जैसे यहाँ पर आया तो थोड़ा सा नर्वस हो गया है, तो इसलिए थोड़ा ना बीच बीच में मुझे भी बताना पड़ रहा है उसको, क्योंकि अभी छोटा भी है तो एकदम से तो वो नहीं कर पाएगा, काफ़ी चीज़ें होती हैं बच्चे के माइंड में। वही उसके माइंड में चल रहा है, तो मुझसे काफ़ी चीज़ें वो जैसे मैं उसको बता रही हूँ तो बेचारा कंफ्यूज हो रहा है, ऐसे करूँ या मैं ना करूँ। बट फिर भी बहुत अच्छा कर रहा है मेरा बच्चा। पापा को देखो कैमरे में, कैमरे में नीचे नीचे नीचे। हाँ, जो कैसे हंसता है। यहाँ पर वंश के डैडी जो है वो उसे बता रहे हैं, यहाँ देखो वहाँ देखो, तो उस हिसाब से वो एक्सप्रेशन वो दे रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट वो कैमरे में नहीं देख रहा था, तो इसलिए उसके पापा जो है फोन इधर उधर करके उसका जो है फोकस कर रहे हैं, आईज़ को फोकस कर रहे हैं कि हाँ ऐसा लगे कि वो कैमरे में देख रहा है। यहाँ पे उसके डैडी खड़े हैं, वो अपना फ़ोन लेकर वो उसको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें साइड पोस्ट चाहिए, तो वो साइड पोस्ट के लिए भी थोड़ा हिल डुल रहा है, नहीं दे पा रहा। उसके डैडी यहाँ पर खड़े हो गए, फिर साइड पोस्ट वो ऐसे ले रहे हैं। ओवरऑल तो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। गाइज़ अगर हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इसमें जो हमारा ये जो फ़ोटोशूट, जो अमाउंट इसमें हमने दिया है, इट्स जस्ट स्मॉल अमाउंट, आई थिंक 1500 to 2000 के बीच का ही अमाउंट था जो हमने पे किया है। और वो भी जस्ट इसलिए था क्योंकि जो भी बच्चे का
स्टाइलिंग वगैरह जो मेकअप वेकअप जो भी चीज़ें रहती हैं उसी का ही ये चीज़ें होती हैं, अदरवाइज हमने कोई अमाउंट उसमें पे नहीं करा। और सो मेरा मेरे बेटे ने एक ब्रांड शूट कर लिया फाइनली फर्स्ट टाइम। और रियली जो ये कंपनी है इसका नाम है HK ड्रीम्स प्रोडक्शन। इसका जो पेज है इंस्टा पर भी इसका पेज है, सो आप वहाँ पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और रियली मैं बताऊँ तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा है, वंश भी बहुत खुश हुआ है, प्लस हम भी बहुत हैप्पी हुए हैं, क्योंकि जो हमारे मन में जो डाउट था कि फेक होता है या हमसे बहुत ज़्यादा अमाउंट मांगा जाएगा, तो वो सारे डर निकल गए अंदर से। तो ना तो हमें कुछ ऐसा फेक मिला, ना ही हमसे कुछ अमाउंट ऐसा एसेज हमसे कुछ अमाउंट मांगा गया, जो कि मैंने और वीडियोस में मैंने देखा है या फिर मैंने और भी मतलब उसमें लिखा होता है जो भी इंस्टा पे या जो भी FB पे आते हैं पेजेस वगैरह, उस हिसाब से कोई भी अमाउंट नहीं था। सो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सो मेरा वंश भी बहुत खुश है, तो इससे ज़्यादा तो हमें और कुछ चाहिए नहीं था, कुछ मेरे वंश के लिए नया हो गया। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, तो कमेंट ज़रूर करना। जो भी क्वेरी है आपकी आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस अब वंश भी बहुत थक गया है, दूध पी रहा है, और उसके बाद उसको हम कुछ खिलाने के लिए लेकर आए थे इसमें फूड फैक्ट्री करके एक वहाँ पे रेस्टोरेंट था, वहीं पर हम वंश को लेकर आए थे कुछ खिलाने के लिए। सो मेरे बेटे ने इतना काम किया है आज, पूरा थक गया है मेरा बेटा, तो ये तो बनता है उसके लिए, एक ट्रीट तो बनती है आज के लिए। सो वही ट्रीट हम वंश को दे रहे हैं। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो हद बने रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। एक चीज़